ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के पर्यवेक्षक यशपाल रेड्डी के नेतृत्व में शुक्रवार को कोडरमा जिला युवा कांग्रेस कमेटी की एक बैठक झुमरी तिलैया के सामंतो पेट्रोल पंप के समीप स्थित अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड में होने वाले प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव पर चर्चा की गई, जिसमें पर्यवेक्षक यशपाल रेड्डी ने बताया कि इस बार 4 पदों पर चुनाव होना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मेंबरशिप एवं वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बैठक में असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ पासवान, कांग्रेस कोडरमा जिला कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष रामलखन पासवान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फैयाज कैसर, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अरमान खान, अल्पसंख्यक कांग्रेस के सचिव चांद आलम, शंभू शर्मा, पप्पू सिंह, मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद नौशाद आलम सहित अन्य कई कांग्रेसी शामिल थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।